गाइस हम लोग आ चुके हैं रॉक गार्डन वाटरफॉल्स। यहाँ से लगता है जन्नत। कहाँ आ गए हम? टेंजिंग रॉक है ना, यहाँ पे आप रोप के जरिए आप टॉप पे जा सकते हैं। देन कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा, सांस फूल रहा। और अभी हम लोग जू को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं कि मौसम का देखो क्या हाल है। एक्सप्लोर विथ मनीष पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे मैं हूँ दार्जिलिंग में और दार्जिलिंग का आज जो है आपको पूरा का पूरा वन डे टूर देने वाला हूँ। हमने जो है एक इनोवा बुक किया है, हमने पूरा का पूरा रिजर्व किया है। हमारे साथ में एक बंगाल के कपल मिल गए, मिलाता हूँ आपको गाड़ी में, ठीक है? तो हम लोग तीन आदमी मिल करके इस इनोवा को हमने बुक किया और इसका चार्ज मुझे पड़ा 3500 यानी 3500 रुपये। और जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे उसी होटल के थ्रू जो हमने इसको बुक किया, बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह साथ कुछ चलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वन डे टूर दार्जिलिंग का और दिखाते हैं कौन कौन से पैलेसेस को हम विजिट करते हैं। एक बार उस कपल से मिला देते हो, ये है हमारे साथ में एक कपल्स, आएगा दीजिए, ठीक है? तो हम लोग साथ में घूमेंगे, ठीक है? तो चलिए। और हमारे साथ ये हैं, क्या सर नाम हुआ आपका? सुभाष। सुभाष, अभी आप लोग हमें लेकर के जाएंगे टूर। टोटल हम लोग कितने पैलेसेस कवर करेंगे? मोटा मोटी 12 पैलेसेस, जिसमें टाइगर हिल्स वगैरह होंगे जी, सब इन है ना। और एक चीज़ और बता दूँ, टाइगर हिल्स ऐसे सभी लोग जो सुबह में जाते हैं, बट हम लोग डे में जा रहे हैं। अभी जो मौसम इधर का जो वेदर है ना, उस वेदर में सनराइज होता ही नहीं है, तो यार उतना अर्ली मॉर्निंग उठ करके क्या करना। इसलिए अगर सिर्फ टाइगर हिल्स देखने के लिए जाना है कि कैसा है टाइगर हिल्स, ठीक है? बाकी जो जो पैलेसेस को हम कवर करेंगे वो सारे के सारे आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हो सकता है एक पार्ट, दो पार्ट या तीन पार्ट में से कन्वर्ट कर दूं, बट टोटल का टोटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हमारे टूर यहां से स्टार्ट होता है इनोवा के साथ पूरे कपल्स के साथ। ये पहुंच गए हम जू। जू जू दार्जिलिंग जू। दार्जिलिंग जू, ओके। अभी हम लोग पहुंचे हैं, फर्स्ट हम लोगों का टूरिस्ट स्पॉट है हिमालयन जूलॉजी पार्क, यहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं। इसके अंदर जो आपको तीन स्पॉट्स मिलते हैं, अभी तीनों का तीनों में कवर करके अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और ये है मेन एंट्री पॉइंट, यहाँ से टिकट वगैरह अभी लेना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे टिकट ले लिया है। टिकट पड़ा तीन लोगों का 180 यानी 60 रुपीज़ पर पर्सन। जूलॉजिकल पार्क में जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के लिए आपको मास्क जरूरी है, मास्क लेना ही पड़ेगा। लेकर के आए तो बेटर नहीं, अगर लाए तो गेट पे ही आपको मिल जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सर, चार्जेस तो नहीं है हमसे, आप चार्जेबल है। ओके, तो यहाँ से आप मास्क ले सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम एंट्री कर चुके हैं जूलॉजिकल पार्क में और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है खास। दार्जिलिंग तो है ही, नेचर की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और आते ही आपको इतना अच्छा वेदर लगेगा। और यहाँ पे आपको, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाए गए हैं, जैसे ब्लैक बियर, कौन कौन से एनिमल्स आपको किस साइड में मिलेंगे, वो सारे के सारे डायरेक्शन दिए गए हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि जूलॉजिकल पार्क के अंदर ही जो हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट है, तो इसका गेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आकर के आप घूम सकते हैं अंदर। तो इस प्लेस पे भी आपको आ करके काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया गया। अब इधर से सनलाइट है तो इस कारण से हो सकता है ब्लैक ब्लैक ज़्यादा है, ठीक है? काफ़ी अच्छा बनाया गया। और यहाँ पे आप एक यहाँ पे फिल्मिंग के दौरान डिस्प्ले पे भी दिखाया जाता है, जिसके लिए आपको टिकट लगेगा। माउंटेन मैन जैसे माउंटेनिंग वगैरह कैसे की जाती है, उसके ऊपर एक फिल्म शो है होता है, उसका टिकट वगैरह ले करके आप यहाँ से वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है कि आप एक जूलॉजिकल पार्क के अंदर आप आते हो और उस पार्क में आने के बाद आप तीन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हो, है ना? ये हो गया म्यूजियम, सांस चलने लगती, आदत है नहीं क्योंकि सारे के सारे जो पूरा हाइट पे है, है ना? चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। घर का बहुत अच्छा लगता है ये वाला, जो बर्ड का है ना, यहाँ पे जो बर्ड का है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, 3D लुक पूरा का पूरा। और जो पहाड़ी पक्षी सब हैं वो सब हैं। हाँ, पहाड़ी पक्षी हमारे। ओके गाइस, तो हम लोग अभी गए थे म्यूजियम के अंदर, और म्यूजियम के अंदर जो है काफ़ी यार अच्छा लगेगा आपको, मतलब
क्या बोलूँ हिंदी में आपको बोलूँ, पर्वतारोही जो हिमालय के जो पक्षी वगैरह रहते हैं, जो पहाड़ी पक्षी होते हैं, उसके 3D में इतना प्यारा प्यारा व्यू था, है ना। थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, कैप्चर करने की, तो वो आपने देखा ही होगा, बहुत प्यारा दार्जिलिंग का ये म्यूजियम। और म्यूजियम के सामने यहाँ पे भी देखिए टाइगर वगैरह का, ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, इधर चलते हैं। ओ ये देखो तेंदुआ, ये है दोस्तों ब्लैक टाइगर, है ना। और अभी हम लोग जू को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं कि मौसम का देखो क्या हाल है, पूरा फॉग फॉग, पूरा बादल। कौन कहते हैं, कौन कहता है कि हम आसमान में नहीं जा सकते, देखो हम बादलों को छू रहे हैं यार। एक और यहाँ पे है बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, सामने है एंट्री। सारे के सारे पहाड़ों में सभी को बंद करके रखा स्टेप के ऊपर, इतने सारे आउट होते हैं। फोटोग्राफी बना है सुबह। तो यहाँ का जूलॉजिकल पार्क आप जरूर आना यार, मतलब इतना गजब का है ना, बहुत मस्त वाला है। इतने यहाँ पे एनिमल्स वगैरह तो जो है ही बिल्कुल क्लियर विजिबल होता है, बाकी जगह जू के जैसे नहीं। और जो यहाँ का जो म्यूजियम है ना, म्यूजियम में आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, दो दो म्यूजियम है यहाँ पे और दोनों म्यूजियम में गजब का व्यू आता है भाई सब, जो कि आपने थोड़ा बहुत देखा ही होगा। तो यहाँ का म्यूजियम आप घूमना ज़रूर। और हम बादलों के बीच में आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं। देखो पूरा ऐसे करके देखो तो पता चलेगा। टेंजिंग रॉक है ना, यहाँ पे आप रोप के जरिए आप टॉप पे जा सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं माउंटेन मैन की जैसे, सॉरी माउंटेन मैन है, माउंटेनियर करके आप। क्या चार्जेस है? 100 रुपीज़ ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे आना है, 100 रुपीज़। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, एक एक्सपीरियंस लिया जाए खुद से चढ़ करके। बस इतना सा हाइट पे आने वैसा सांस फूल जाता है, ये समझो जो माउंटेन मैन सब होते हैं उतनी हाइट पे कैसे चढ़ते हैं, वैसा सांस फूल गई। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा। सांस फूल रहा। ये समझो कि उतने इतने ऊपर कैसे लोग चढ़ते हैं, हम लोग तो इतना भी फंस गए। आप चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। आप उधर भी चलेंगे? जरूर। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस, थैंक यू। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट पैलेस है ये हम जा रहे हैं चाय के बगानों में। दार्जिलिंग है तो चाय के बगानों में अगर आप नहीं घूमते हैं तो आपका टूर जो है पूरा अधूरा ही रह जाएगा, इसलिए दार्जिलिंग टूर यस अब कर सकते हैं। चलिए तो आपको दार्जिलिंग का टी गार्डन घुमाते हैं। एक्चुअली हम लोग दो टी गार्डन कवर करेंगे, फिलहाल के लिए एक छोटा सा टी गार्डन है और उसको हम लोग यहाँ पे अभी आए।
आज से 15 साल पहले शिलोंग में रहा था, तो वहाँ पे भी टी गार्डन है, तो लेकिन उस टाइम पे काफ़ी छोटा सा हुआ करता था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। अब इसलिए एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। ओ तो ये है, ये सारे चाय के पत्ते हैं पूरा। यहाँ पे आने के बाद एक गाना याद आ रहा है, कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। बेसुरा हूँ मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपने फीलिंग्स को दबा के नहीं रख सकता भाई साहब, है ना, ब्लॉक यही तो हुआ। यार क्या ऑसम लग रहा है यार भाई साहब, यहाँ से लगता है जन्नत। कहाँ आ गए हम, देखो क्या हम कितने ऊंचे हैं, ऊंचों पे हैं, और अभी जो है पूरा का पूरा बादल यहाँ पे भरा हुआ है। और यहाँ पे आए तो एक बार यहाँ का चाय भी जरूर पी लें, यहाँ पे शॉप तो मिल ही जाएगा। आंटी हमारे लिए चाय बना रही है और यहाँ का तो चाय पत्ती लेके जाना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना, ये दार्जिलिंग आए हो, असम जा रहे हो, चाय पत्ती तो जरूर लीजिए। थैंक यू, यस बहुत अच्छा, यस दार्जिलिंग के लोगों के जैसे चाय, दार्जिलिंग के लोग जितने प्यारे हैं उतना ही प्यारा चाय है ना, सभी में मैंने देखा कि दार्जिलिंग के लोग बहुत प्यारे हैं। एवरी पर्सन शुड ट्राई। अब कहाँ ले जा रहे हैं हम लोगों को? रॉक गार्डन जी। काफी ढलान है यहाँ पे, वाटरफॉल्स वगैरह भी काफी है। नहीं, ये दार्जिलिंग टाउन से 3000 फीट नीचे है। दार्जिलिंग टाउन से मतलब जहाँ पे हम लोग थे वहाँ से 3000 फीट नीचे जा रहे हैं? ओ माय गॉड, थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है। अच्छा क्या बात है, पूरा नीचे जाना है ना लोगों? दिख रहा है पानी। हाँ तो वो तो गाइज अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले, अगर आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल वहाँ पे झरना चल रहा है, वहाँ तो जाना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ, वो जो टॉप आप देख रहे हैं उससे भी ऊपर जाएंगे हम लोग, जो टाइगर हिल्स का जो व्यू मिलेगा ना आपको, उस टॉप से भी ऊपर जाना है अपने को, तो चिंता मत कीजिए। ऐसा ये ब्लॉग जो है ना काफ़ी क्या बोलो, रोमांटिक के साथ साथ खतरनाक भी होने वाला है। गाइस हम लोग आ चुके हैं रॉक गार्डन वाटरफॉल्स, यहाँ का क्या गजब का नज़ारा है।